ये देखते हैं अगला क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन है एक टाई बार, ठीक है, पर एक समान तनाव प्रतिबल, यानी आपका जो आपका टेंसाइल स्ट्रेस लगा हुआ है वो दिया हुआ कितना 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, यानी आपका 100 एमपीए बोल सकते हो या 100 एमपीए बोल सकते हो, क्योंकि अब देखो एक एमपीए बराबर आपका होता है एक न्यूटन पर एमएम का स्क्वायर, ठीक है, ये याद रखिएगा, हमने स्ट्रेस वाले टॉपिक में सब बातें बताई है यूनिट की। तो इसमें अब देखो फोर्स नहीं दिया है, यानी यहाँ पे सिग्मा एक्स की वैल्यू दे दिया, किसकी, सिग्मा एक्स की, कितना दिया 100 एमपीए, ठीक, बता रहा है टेंसाइल नेचर का, तो ऐसे इधर भी दिखाना पड़ेगा, ऐसे ही इधर भी दिखाना पड़ेगा 100 एमपीए दिखाना पड़ेगा ना। अच्छा फिर क्या कह रहा है, एक ऐसी तिरछी काट जिस पर लंब छड़ की अक्ष से, लंब छड़ की अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाती है, यानी एक तिरछी, मतलब अक्ष क्या होगा, देखो यही आपका अक्ष है ना, हम मानते हैं यहाँ से ये जो अक्ष है यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बनाती है, ये इधर, ठीक है, ये आपका प्लेन ऐसे जाएगा, यही तिरछी काट बोली गई, ऑब्लिक प्लेन, क्या ऑब्लिक सेक्शन, ऑब्लिक सेक्शन समझते हो ना, ऑब्लिक सेक्शन ये वाली बातें करता है, ये देख रहे हो इसकी बात कर रहा है, ठीक है, यही जो आपका है ये ऑब्लिक प्लेन की बात करता है, ठीक है, वो आपका है यहाँ से अक्ष से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक। दूसरी बात क्या कह रहा है दोस्त, कह रहा पर नॉर्मल स्ट्रेस, सीयर स्ट्रेस तथा रिजल्टेंट स्ट्रेस के मान याद कीजिए। अब देखो इस पर नॉर्मल स्ट्रेस, अगर हम यहाँ से नॉर्मल स्ट्रेस को दिखाएं तो आपका इस प्लेन पे पूरा लंब होगा, आपको मैंने थ्योरी में समझाया है, ठीक है। फिर कह रहा सीयर स्ट्रेस, सीयर स्ट्रेस को आप चाहे इधर से दिखा दो तो उधर से कोई कर देते हैं, ये आपका हो जाएगा टाउ थीटा, ठीक। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस का मान भी ज्ञात कीजिए, मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस का मान भी ज्ञात कीजिए, यानी इस क्वेश्चन हमें सिग्मा एम ज्ञात करना है, ठीक है, टाउ थीटा ज्ञात करना है, ठीक है, टाउ नहीं सिग्मा आर ज्ञात करना है, ये चीज़ें हमें ज्ञात करनी है, ठीक। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में एरिया नहीं दिया गया क्योंकि इसका स्ट्रेस दे दिया, देखो दे दिया ना, बल नहीं दिया बल्कि आपका स्ट्रेस दिया, कौन सा स्ट्रेस दिया, जो आपका यक्स प्लेन पर और यक्स डायरेक्शन में लगा हुआ है, देखो 100 एमपीए, ठीक है, दिया हुआ, तो हम जानते हो अब क्या कि सिग्मा एन बराबर होता है सिग्मा एक्स इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्वेश्चन होगा कि सर थीटा क्या लें, ठीक है, क्या थीटा क्या लें, तो आइए देखते हैं बाबू, हमने आपको बताया है कि नॉर्मल प्लेन से एंगल लिया जाता है, तो आपको एक नॉर्मल प्लेन यहाँ से गुजार देना है, ये हम देखो नॉर्मल प्लेन गुजार दिया, ठीक है, हमने क्या किया यहाँ से नॉर्मल प्लेन देखो गुजार दिया, ठीक, आप देख रहे हैं ये वाला एंगल आपका यक्ष से जो बना हुआ 30 है, इस रेड वाला जो लाइन प्लेन जो कटा है, तो आपका ये अगर 30 है तो ये वाला 30 होगा, शीर्षक वो कोण बनेगा, अरे भाई ये वाला एंगल इस 30 होगा, और ये देख रहे हो आपका यहाँ पे लंब होगा, तो ये वाला एंगल कितना आगे बाबू यहाँ से प्लेन का, है ना, तो थीटा बराबर अगर आप निकालोगे तो 90 में से हमें क्या करना पड़ेगा 30 घटाना पड़ेगा, जो आएगा कितना 60 डिग्री, कितना आएगा भैया 60 डिग्री, ये तो बात समझ में आई आपको। अच्छा अब हमें देखो जो थीटा वो प्राप्त हो चुका, हमने बार बार इस बात पर जोर दिया कि हमेशा जो है एंगल का लेना नॉर्मल प्लेन से, यानी जो प्रिंसिपल प्लेन पर था उससे लेना है, ठीक है, चाहे वो इधर लेना पड़े चाहे इधर लेना पड़े, ऐसे हमेशा वहाँ से नापना है, ठीक है। अच्छा अब हम क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, देखो सिग्मा एम बराबर निकालेंगे तो वहाँ पे आपका 100 एमपीए दिया, 100 बुढ़े कॉस स्क्वायर 60, ठीक है, तो सिग्मा एम की जो वैल्यू होगी वो बाबू आ जाएगी आपकी यहाँ से 75 एमपीए, 75 एमपीए, जिसको आपकी किताब में लिखा होगा 75 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, 75 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, मीटर स्क्वायर नहीं, क्योंकि एक एमपीए बराबर उतना होता है, ठीक, ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक। ऐसे हमें दूसरा निकालना टाउ थीटा, तो टाउ थीटा बराबर तो क्या होगा सिग्मा एक्स बाई टू इंटू साइन टू थीटा, ठीक, हम यहाँ पे अगर वैल्यू रख देंगे तो 100, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा एक्स वैल्यू 100 बाई टू इंटू साइन
टू इंटू कितना बाबू 30 डिग्री नहीं 60 डिग्री होगा ना, 2 इंटू 60 डिग्री। तो हल करेंगे हम इसको तो टाउ थीटा की जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू आ जाएगी आपका यहाँ से 43.3 MPa, क्या 43.3 MPa, ठीक। ये हमें यहाँ से समझ में आ गई, ठीक ये बात आ गई। अच्छा अब हमारी बात क्या आएगी, इस सर टाउ आर भी निकालना है, हम कहें हाँ बाबू हमने जानते हैं कि नहीं सिग्मा आर निकालना, सिग्मा आर बराबर, सिग्मा आर बराबर पढ़ाया था मैंने सुबह बताया था, सिग्मा एक्स इंटू कॉस थीटा रख दीजिए, सिग्मा एक्स का मान आपका 100 है, ठीक, कॉस थीटा का मान आपका आया हुआ 60, यहाँ पे देखो आया हुआ ना ये वैल्यू, ठीक। तो आपका ये हल करने पर आएगा यहाँ से कितना आया 86.6 MPa, 86.6 MPa, ये हमारा वैल्यू आ गया किसका, ये वैल्यू आ गया हमारा रिजल्टेंट स्ट्रेस का, ठीक है। अब अगर हमें क्वेश्चन में था क्या कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का मान भी ज्ञात कीजिए, देखो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किस में मिलता है 45 डिग्री पर, तो उस समय में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस यानी जो आपका टाउ थीटा मैक्स निकाला था, याद करिएगा कि आपका आया था सिग्मा एक्स बाई 2, जहाँ पे साइन 45 अगर रखोगे वहाँ पे साइन 2 थीटा में 90 हो जाएगा, एक वैल्यू आ जाएगी, यानी हमारी वैल्यू आ जाएगी कितना 100/2, यानी हमारा जो टाउ थीटा जो मैक्स आने वाला है वो वैल्यू आएगा बाबू आपका 50 MPa, क्या आएगा दोस्त 50 MPa, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में हमको कह देता कि आप परिणामी की दिशा बताइए, ये जो परिणामी है इसकी दिशा बताइए, तो अल्फा बराबर हो जाता टैन इनवर्स, ठीक है, सिग्मा एम की जो वैल्यू आई है 75 और बटे टाउ थीटा का जो मान आया है 43.3, ठीक। यहाँ से हम इसको हल कर लेते तो यहाँ से परिणामी की दिशा मिल जाती, याद रखिएगा ये मत रखिएगा, ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वाली वैल्यू 50 मत रखिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक अगला क्वेश्चन क्या